तो आज आपका रिवीजन सीरीज में, ठीक है, प्राचीन बिहार को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्राचीन बिहार की बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एज ए रिवीजन के मेरा तौर तो पर क्लास अभी नहीं होता है ना सर। नहीं, अभी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो प्राचीन बिहार की बात करेंगे, आज हमारी पहली क्लास होगी रिवीजन क्लास के तौर पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं, और कोशिश रहे कि इसको हम लोग 7 क्लास में इसको क्या करेंगे, समाप्त करते हैं, ठीक है। प्राचीन बिहार को 7 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। 2 से 3 क्लास में हमारा मेडिवल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्लास की बात करेंगे ना, तो 10 क्लास में आपका प्राचीन बिहार, ठीक है, और आपका मेडिवल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। 20 क्लास हमारा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रहेगा, ठीक है, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग 20 क्लास में करेंगे, और 1 महीना में हम लोग बिहार को संपूर्ण रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज पहली क्लास है और होप आप लोगों को पसंद आएगा। बिहार की बात करेंगे तो बिहार सदियों तक प्राचीन भारत में गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन का एक समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र रहा है, ठीक है, इसी से आप लोग परिचित है। प्रागैतिहासिक काल से ही बिहार मानव सभ्यता का, संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। किसकी? बिहार की। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपद, ठीक है, बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद थे। कौन कौन थे महाजनपद बताएंगे, जरा रिपीट कीजिए। मगध है, अंगवती अंग है और जी है, पांडवजी ठीक है, और ध्यान रखिए, ठीक है, मगध। बिल्कुल। मगध की बात करेंगे, अंग की बात करेंगे, बज्जी की बात करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब क्या था, बिहार जो था बटा हुआ था, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। मगध और लक्ष्मी गणराज्य के शासन के कार्य पद्धति से भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। मगध और, ठीक है, लक्ष्मी गणराज्य के शासन काल की कार्य पद्धति से भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। आप बोलोगे सर लक्ष्मी तो समझ में आता है, डेमोक्रेसी आया इंडिया में, मगध का क्या रोल था? मगध का प्रशासन बहुत अच्छा था, आप चाणक्य की पुस्तक आप देख सकते हो, मौर्य एम्पायर का था, लेकिन मगध पे ही था, तो उनसे काफी अधिक आपको प्रशासनिक चीजें काफी अधिक डेवलप हुई थी मगध से लेकर। लक्ष्मी जो था वर्ल्ड में, ठीक है, पहला डेमोक्रेसी था, तो भारत में भी डेमोक्रेसी के कहीं ना कहीं से जड़ें जो थी, भारत में ही क्या, विश्व की जड़ें जो थी लक्ष्मी गणराज्य में आपको देखने को मिलता है। दुनिया का पहला गणराज्य की बात करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक की बात करेंगे, तो वैशाली बिहार का ही अंग है। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलता है, रामायण में भी आपको बिहार का वर्णन देखने को मिलेगा, और महाभारत में भी आपको बिहार का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट, ठीक है, गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो बक्सर के निकट आपको गुरुकुल में, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र जी का, ठीक है, शिक्षा ग्रहण इन्होंने ही किया था। अब बक्सर में ही श्री राम प्रभु जी ने त्राका का वध किया। त्राका को जानते हैं ना, ताकावत तारका, ठीक ताका है, राक्षस ये थी। बक्सर में ही हुआ था, ठीक है, राक्षस नहीं थी, राक्षसनी थी ये, ठीक है, बक्सर में इसका वध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बक्सर में किनका आश्रम था, तो विश्वामित्र जी का आश्रम भी था। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध की जन्मभूमि तो नहीं था बिहार, क्या था उनका, कर्म भूमि था, ज्ञान की भूमि था। गौतम बुद्ध जी का जन्म भले ही नेपाल में हुआ था, लेकिन की कर्म की भूमि, जहां पे इन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को मतलब प्रलोभित किया, ठीक है, वो बिहार ही था, ठीक है। जनधन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म की बात करेंगे, तो बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर ही उनको उनका जन्म हुआ था, या फिर ज्ञान की भी बात करेंगे तो भी उनको ज्ञान हुआ था, ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। प्राचीन बिहार की जानकारी पुरातात्विक साक्ष, साहित्यिक साक्ष, यात्रा वृत्तांत व अन्य स्रोतों में उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष में भी आपको बिहार की जानकारी मिलेगा, साहित्यिक साक्ष में मिलेगा, साहित्यिक साक्ष जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो तीर्थ यात्री जो आएंगे बिहार की यात्रा पे तो अपने अनुभव को साझा करेंगे, उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। प्राचीन शिलालेख की बात करेंगे तो स्मारक, इमारतें, सिक्के, दान पत्र, ताम पत्र, राजकाज संबंधी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत आदि विशेष रूप से मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रचित शतपथ ब्राह्मण ध्यान में रखेगा, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय के साथ ही बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक, जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में जानकारी मिलती है, ठीक है। भगवती सूत्र की बात करेंगे, महाजनपद के बारे में उसमें आपको जानकारी देखने को मिलती है, तो भगवती सूत्र से बिहार को, महाजनपद में तो बिहार भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप शतपथ ब्राह्मण में बिहार के बारे में जानकारी है,
ठीक है, विभिन्न प्रकार के पुराणों में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में आपको देखने को मिलता है, दीघ निकाय में देखने को मिलता है, विनय पिटक में आपको देखने को मिलता है, भगवती सूत्र में आपको देखने को मिलता है, इन सारे किताबों में आपको बिहार की जानकारी आपको देखने को मिलता है। कालखंड के अनुसार प्राचीन बिहार के निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे पूर्व पाषाण काल आएगा, पूर्व पाषाण काल के पास मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूर्व पाषाण काल में लोग जो थे पत्थर का प्रयोग करेंगे, इनका जीवन जो होगा पत्थर के आसपास केंद्रित होगा। मध्य पाषाण काल में भी लोग जो थे पत्थर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन पत्थर का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नव पाषाण काल में लोग पत्थर का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ में लोग आग का आविष्कार वगैरह करना सीख जाएंगे, जानवर को पालना वगैरह ये लोग, मतलब मध्य पाषाण युग में ही आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन नव पाषाण युग में लोगों ने आग का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, मतलब खोज तो मध्य पाषाण युग में, लेकिन इसका यूज क्या है वो नहीं पता था। नव पाषाण युग में लोगों ने आग का प्रयोग करना सीखा, ठीक है, पशुपालन करना सीखा, खेती करना सीखा। अब आते त्रम पाषाण युग, त्रम पाषाण युग में लोग जो थे, ठीक है, क्या हुआ, तांबे के हथियार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से तांबा के ऊपर शिफ्ट नहीं किया। तांबा के साथ साथ किसका प्रयोग होता था, पत्थरों का भी प्रयोग होता था, हालांकि पत्थरों का प्रयोग कम हो गया था। तो कभी ऐसा प्रश्न, जैसे त्राम पाषाण युग में लोग जो थे पूरी तरीके से तांबे के हथियार के ऊपर फिक्स हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, साथ में पत्थरों का भी प्रयोग होता था। वैदिक काल, वैदिक काल को दो कैटेगोरी में बांटेंगे, ठीक है, एक पूर्व वैदिक होगा, ठीक है, जिसको ऋग वैदिक के नाम से जाना जाता है, पूर्व वैदिक को, एक होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक जो था, जिसको पूर्व वैदिक के नाम से, यहाँ पे इसका सारा इतिहास आपको ऋग्वेद के अनुसार मिलेगा। और उत्तर वैदिक काल में आपको, ठीक है, कौन कौन है, अथर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है, और ये सारे चीजों का जब हो जाएगा तो आप देखोगे साथ में क्या होगा, महाजनपद का काल आएगा, जहाँ पे 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद आपको देखेंगे, लेकिन सारे महाजनपद जो होंगे साम्राज्यवादी होंगे, सारे आपस में लड़ते रहेंगे, बाद में जाके सारा लड़ कट कर सब क्या हो जाए, सब मगध में जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब मगध एम्पायर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो इसी तरह से महाजनपद का काल। ठीक है, तो मुख्यतः 6 कालखंडों में आपको पढ़ना है, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, और उसके बाद महाजनपद का काल आएगा। ठीक है, ये जो होगा महाजनपद का काल, ठीक है, और ये वैदिक काल, ये इसको साहित्य काल के तौर पे भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये साहित्य काल इसलिए इसलिए कहेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य आपको उपलब्ध है, जैसे ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वैदिक युग में देखेगा, महाजनपद में तो और भी बहुत सारी किताबें वगैरह आ जाएगी, ये दोनों का लिखित साक्ष्य। ठीक है, बाकी पाषाण युग का लिखित चीजें उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो उन लोगों ने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, जिसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, लिखा तो उन्होंने, ठीक है, लेकिन सॉरी प्रागैतिहासिक काल में तो लिखा ही नहीं, ठीक है, और उसके बाद के काल में लिखा गया, इसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जहां पे स्रोत लिखे भी गए और उसको पढ़ा भी जा सकता, तो हम लोग कह सकते हैं वैदिक काल और महाजनपद का काल जो था ऐतिहासिक काल था, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथों की रचना होती है और ग्रंथों के आधार पर ही इस काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आप देखेंगे आगे पूर्व पाषाण काल, ये पूर्व पाषाण काल, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे हमने पढ़ा ना पूर्व पाषाण काल, पूर्व का पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व जो था, ये काल जो विकसित होता है, जिसको हम लोग पूर्व पाषाण काल के तौर पे जानते हैं, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण काल है पूर्व पाषाण काल, इसको ध्यान में रखेंगे। और आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष, ठीक है, फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा, ध्यान रखेंगे, हजारीबाग एवं संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम से मिले हैं। ठीक है, ये सबके सब देखते हो, फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब कैसी चीज बनाया गया था, ठीक है, पसान जहां पर भी लग जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पसान जहां पर भी लग जाए, समझिएगा सिंपल सी प्रश्न से, भाई साहब हम लोग क्या बात कर रहे, पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो काल जो है आपको अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे फाल मिलता है, कुल्हाड़ी मिलता है, चाकू मिलता है, खुरपी मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिले, रजरप्पा, रजरप्पा एक धार्मिक स्थल भी हजारीबाग में पड़ता है, संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम में आपको देखने को मिलते हैं, ये साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, जेठियन में मिलते हैं। तो ये सब नहीं पूछेगा इसको कहाँ कहाँ मिला, क्योंकि सब में लगभग यही चीज मिलेगा, जगह का नाम पूछ देगा आपको, बताइए रजरप्पा कहाँ है, हजारीबाग में है, संजय घाटी एवं सोना नाल संगम कहाँ पे, सिंहभूम में है, जेठियन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जेठियन कहाँ पे पड़ता है, गया में पड़ता है, भीमबाद कहाँ पे पड़ता है, तो भीमबाद आपको मुंगेर में आपको देखने को मिलता है, पैसरा कहाँ पे पड़ता है, तो पैसरा आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, ये जो स्थल जो है जेठियन हो गया, मुंगेर हो गया, जेठियन हो गया,
भीमबाद हो गया, पैसरा हो गया, किस किस काल से संबंधित है? जब पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न कैसे बनेंगे? पूछेगा पूर्व पाषाण काल से संबंधित निम्न स्थलों की पहचान करें, तो जेठियन है, भीमबांध है, पैसरा। ऐसे पूछ सकता है पूर्व पाषाण कालीन स्थल जेठियन किस जिला में पड़ता है, तो क्या बताओगे किस जिला में पड़ता है जेठियन? गया तो ध्यान में रखना है गया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ध्यान रखेंगे, तो गया में पड़ता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गया जेठियन कहाँ पे पड़ता है? गया में पड़ता है, ठीक है। अब भीमबांध की बात करें, मुंगेर में पड़ता है। तो ये आपका था पूर्व पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल की बात करें, 1 लाख, ठीक है, क्या है, 1 लाख ईसा पूर्व के काल को, ठीक है, पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण की बात करेंगे तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 काल के, ठीक है, 40,000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण के अंतर्गत कहते हैं। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसके अवशेष बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग की बात करेंगे तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के समय का ये काल है। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए, ध्यान में रखेंगे। और इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धारा नोक वाले औजार जो थे प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल मुख्य रूप से मुंगेर जिला से, ठीक मुंगेर है। से समय काल का, समय काल नहीं पूछेगा, 1 लाख से लेकर 40,000 पूर्व। और आगे आप चलोगे ना तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय काल जो था नव पाषाण काल के आसपास आपको देखने को मिलता। अगर आपको पाषाण काल से अगर बिहार को लेकर अगर प्रश्न पूछता है, बाय द वे अगर पूछता है, तो आपको पूछेगा नव पाषाण काल से पूछेगा, ठीक है। इसलिए नव पाषाण काल से कई बार पूछा गया है, क्योंकि चेचर चिरांद ये सब जगह आ जाता है, ठीक है, हड्डी के उपकरण के लिए सब जगह प्रसिद्ध था। तो कभी भी अगर पूछेगा भी तो नव पाषाण काल से ही पूछेगा, न कि पूर्व और मध्य पाषाण काल से पूछेगा, ठीक है। बाकी जेठियन वगैरह का अगर पूछा गया तो जेठियन बताओ कहाँ पर था? गया में, भीमबांध मुंगेर में है, पैसरा मुंगेर में है, ठीक है। तो नव पाषाण काल की बात करेंगे, इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए। अब कैसे बोला, जैसे जैसे पाषाण काल का समय कम आता जाएगा, औजार क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, है ना। जी मोबाइल देखिएगा, ठीक है, मोबाइल तो हालांकि समय के साथ बड़ा होते गया, लेकिन यहाँ पे पत्थर वाला हथियार की बात करेंगे क्या, धीरे धीरे छोटा होते गया, ठीक है। टीवी पहले देखते थे कितना बड़ा होता था, फिर पतला पतला होते होते कितना छोटा हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक ये, अब ये स्थल जो आपको कहां से मिले, हड्डियों से बने सामान भी प्राप्त हुए, ठीक है। नव पाषाण काल में केवल पत्थर ही नहीं, साथ में क्या मिला, हड्डियों से बने भी सामान प्राप्त हुए। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरान से मिलता, जो कि कई बार पूछा जाता है। चिरान आपको मिलेगा सारण जिला में। कहां पे मिला है चिरान? सारण जिला सारण जिला में, ठीक है। चेचर कहां पे मिलेगा? वैशाली में मिलेगा, हाजीपुर के पास में है, ठीक है। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार, ठीक है, मैंने क्या बोला, नव पाषाण में पत्थर के औजार क्या होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या चीज मिला, तो साथ साथ हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चिरान पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछेगा किस जानवर का हड्डी मिला है, तो हिरन, कौन सा, हिरन के सींग से हड्डी इन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो हिरन के हड्डी से बने औजार आपको मिले हैं चिरांद में, जो कि सारण जिला में पड़ता है। चेचर की बात करें वैशाली में पड़ता है। और ये स्थल जो है चिरांद स्थल, जो पूरे भारत भर में हड्डी के उपकरण के लिए मतलब क्या है, तो प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आपने पढ़ा पूर्व पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ लिया, तो पाषाण वाला कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्राम पाषाण काल। त्राम पाषाण काल का समय काल जो रहेगा, 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व में इंसान काफी चालाक हो जाता है। नव पाषाण काल में इंसान चालाक हो जाता है, खेती करने इंसान को आ जाता है, जानवर पालना जान जाता है, ठीक है, सारे कुछ सीख जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इंसानों में क्या था, बस्ती, जैसे खेती करना इंसान ने शुरू किया, तो साथ में एक जगह रहना भी उन लोगों ने सीख लिया, क्योंकि खेती करने के लिए आपको एक जगह रहना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम्युनिटी विकसित हुई, गांव बन गया, गांव से मतलब जन कहलाता, गांव में रहने वाले लोग जो थे जन कहलाते थे, और जहाँ पे लोग रहते थे उसको जनपद कहते, ठीक है। बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बना, ठीक है, और बहुत सारे महाजनपद मिलकर मगध बहुत बड़ा महाजनपद बन गया, जो आगे चलकर एम्पायर बन गया, ठीक है। अब त्राम पाषाण युग की बात करें, 1000 से 900 ईसा पूर्व, इस काल में पाए गए काले और लाल मृदभान सामान्य तो हरप्पा सभ्यता के विशेषता माने जाते हैं। क्योंकि हरप्पा सभ्यता में मृदभान, मृदभान मतलब क्या होता है, घरा, क्या होता है, घरा, ठीक है। वो काले और मतलब कैसे मिले, लाल मिले। बिहार में इस युग के स्थल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चिरान में आपको देखने को मिलता है,
सारण में है, चेचर वैशाली में, सोनपुर गया में है, मनेर की बात करें पटना में, तारादेही इंपोर्टेंट है बोध गया में पड़ता है ठीक, घोरा कटोरा आपको राजगीर में पड़ता है, पांच की बात करें समस्तीपुर में, सेनुआर, सेनुआर ध्यान रखें इंपोर्टेंट जगह पूछता है एग्जाम में, सासाराम में है, ओरियप की बात के भागलपुर में पाया जाता है ठीक है। तो ये जो स्थल आप देख रहे हो चिरांद हो गया, चेसर हो गया, ये सब के सब ठीक है नवपाषाण कालीन स्थल भी है, साथ में ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबा के भी हथियार थे, साथ में किसके पत्थर के भी थे ठीक है, इसलिए दोनों का था ठीक है, इसलिए केवल पाषाण नहीं और केवल मतलब तराम नहीं ठीक है, दोनों साथ साथ में यहाँ पे चल रहा था ठीक है। मांझी ओरिया और सोनपुर के ताम्रपाषाणिक स्तर से ही आबादी का पहला प्रमाण भी आपको यहाँ से देखने को मिला है। इन स्थलों से क्या मिले, मत्स्य मिले, मत्स्य भाले ठीक है, तलवार मिले हैं, मानव आकृति भी आपको देखने को मिले हैं ठीक है। चिरांद और बक्सर की बात करेंगे, चिरांद और बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांड भी आपको प्राप्त हुए ठीक है। देखिए तो इस चैप्टर से इंपोर्टेंट क्या है, जगह के नाम आपका पूछेगा, पूछेगा बताओ ये कहाँ पड़ता है ठीक है, समझ रहे ना, जगह का नाम ही पूछेगा, पूछेगा कहाँ, बता देगा तो बताओ सेनुआर कहाँ पड़ता है, तो क्या बताओगे कहाँ पड़ता है सेनुआर, पटना बहुत सुंदर ठीक है, सासाराम में ठीक है। चेचर कहाँ पड़ता है, चेचर इसमें बोल दिए ये सारण, वैशाली नहीं में, घोरा कटोरा कहाँ पे है, घोरा कटोरा राजगीर राजगीर में ठीक है। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए बताओ चेचर कौन सा स्थल है, तो क्या होता है रामपाषाण कालीन स्थल है फिर ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है, नियोलॉजिक कैसा स्थल, नियोलॉजिक, ट्रम्प नियोलॉथिक भी है और ताम्रपाषाणिक भी है, दोनों है चेचर, चेचर और चिरान दोनों में आता है ठीक है, ध्यान रखेंगे ठीक है। ये सारी चीजें जो थी किससे थी, तो आपको ध्यान रखना है, बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, प्राचीन बिहार के स्वतंत्र जो थे स्रोत जो है सो यहीं से आपको देखने को मिलता है। तो हम चलेंगे थोड़ा वैदिक काल में भी बिहार के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे महाजनपद काल में बिहार जो था, कल की हमारी टॉपिक होगी ठीक है। वैदिक काल में बिहार के हम लोग देखोगे तो भारत में आप देखते हैं, भारत में सबसे पहले देखोगे भारत में आर्यों का सर्वप्रथम आगमन जो होता सप्त संध्या प्रदेश में होता है, कहाँ पे होता है भारत में आर्यों का आगमन, सप्त संध्या प्रदेश में आपको भारत में आर्यों का आगमन आपको देखने को मिलता है, कौन सा जगह, तो सप्त संध्या प्रदेश पसंद ठीक है। ये इसी प्रदेश में आर्यन जो थे भारत में आकर मतलब बसना मतलब क्या होते शुरू होते हैं। ये प्रदेश कहाँ पे पड़ेगा, सप्त संध्या प्रदेश की बात करें कहाँ पे पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें सप्त संध्या प्रदेश का विस्तार वर्तमान में कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था, कश्मीर से आप पंजाब चलाइए, पंजाब से पाकिस्तान चले जाइए, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, और इसको सप्त संदर्भ इसलिए कहते हैं कि इन क्षेत्रों में ठीक है सिंधु के अलावा उनकी बहुत सारी सहायक नदी बहती थी ठीक है। इसमें था सिंधु नदी एवं सिंधु की पांच सहायक नदी, इसमें सतलज भी था, ब्यास भी था, रावी भी था, झेलम भी था, चेनाब भी था ठीक है, तो कितने छह नदी हो गए, और एक नदी और भी थी सरस्वती, ये सातों नदी मिलकर मतलब कौन सा बनाती थी, सप्त संध्या प्रदेश बनाती थी। तो इन क्षेत्रों में सात नदी का बहाव था, कौन कौन नदी था, सिंधु नदी, सिंधु सतलज सतलज नदी, ब्यास ब्यास झेल नदी, सिंधु रावी सतलज नदी, ब्यास झेलाब झेलम नदी ठीक है, चेनाब चेनाब नदी और सरस्वती नदी। सप्त संध्या प्रदेश कहने का मतलब था कि क्षेत्र जो था पांच नदियों का मतलब क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था ठीक है। ठीक है, इन सातों नदी के बारे में, इस क्षेत्र में बहने वाली सातों नदी का वर्णन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ऋग वेद में आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, ऋग वेद में। में भारत में आर्यों के आगमन की बात करेंगे तो सप्त संध्या प्रदेश में होता है, सप्त संध्या प्रदेश का एरिया की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ से कहाँ था, तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है, पाकिस्तान और कश्मीर, पंजाब पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब के अतिरिक्त ठीक है, इस प्रदेश में रहने वाले सरस्वती नदी भी इस क्षेत्र में बहती थी, तो सातों नदी का ध्यान रखेगा, सारे के सारे किसकी सहायक नदी थे, तो सिंधु की सहायक नदी थी ठीक है, सिंधु की पांच सहायक नदी, सरस्वती नहीं है लेकिन बाकी सिंधु की पांच सहायक नदी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, सबके सब सिंधु की सहायक नदी है ठीक है। और इस क्षेत्र में बहने वाले सातों नदियों का उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है, तो क्या बताओगे कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद बिल्कुल कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में आपको इसके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी की बात करेंगे तो आपको शतपथ ब्राह्मण मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो बताओ बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी आपको कहाँ पे मिलता है, तो क्या बताएंगे,
शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण। कहाँ पे मिलता है क्या बताएंगे? तो शतपथ ब्राह्मण शतपथ में बिहार ब्राह्मण। के बारे में शतपथ हम आपको जानकारी मिलता है। चलिए, ये तो आपके बिहार के संदर्भ में वेद के बारे में पूछा जाता है और कई जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र है कहाँ पे लिखा हुआ, विश्वामित्र के द्वारा रचित है, कहाँ पे किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में ऋग्वेद। सत्य में विजय पे, सत्य की सदा विजय होती है, कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? मुंडकोपनिषद। G20 में वसुधैव कुटुंबकम हुआ, कुटुंबकम काफी चर्चा में था, कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? महावेद। महोपनिषद। अतिथो अतिथि देवो भव, ठीक है, और अतिथि देव के समान होते, कहाँ से लिया गया है? बहुत तैतरीय सुंदर, तैतरीय उपनिषद से, ठीक है। बात करेंगे मातृ देवो भव, ठीक है, मातृ देवो भव, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। तैतरीय उपनिषद है। जहां से भी आवाज आ रही है, जो मोहल्ला में बैठ के टोला मोहल्ला बैठ के पढ़ाई कर रहे, माइक बंद कीजिए, ठीक है, नहीं तो बोलिए अपने पास से, लोगों को जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए माहौल शांति माहौल में होना चाहिए। तो आप बाहर जाइए, अपने लोगों को बोलिए अपने से दूर जाने के लिए, ठीक है, नहीं तो माइक बंद कीजिए। अतीते देवो भव की बात करें तैतरीय उपनिषद से, मातृ देवो भव की बात करेंगे वो भी तैतरीय उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिन, मतलब पूरे समझ रहे, पूरे विश्व की कल्याण की बात की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिन में मतलब सभी लोग खुशहाल रहे, पूरे विश्व ही खुशहाल रहे, कहाँ से लिया गया? वृद्धारण्यक उपनिषद से। तमसो मां ज्योति गर्मय, ठीक है, हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर मतलब ले चलो, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? विद्यारण्य उपनिषद से। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, बताना है ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। सप्तमे विजयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? महोपनिषद। महोपनिषद से। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? तैतरीय उपनिषद। मातृ देवो भव कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? तैतरीय उपनिषद। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिन, तस्मो मां ज्योति गर्मय कहाँ से लिया गया क्या बताएंगे? बृहदारण्यक उपनिषद। बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है कहाँ से लिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उपनिषद किसकी पुस्तक है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? उपनिषद किसकी पुस्तक है? दर्शन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक दर्शन है? दर्शन की दर्शन पुस्तक है, ठीक है, दर्शन ध्यान रखें, ठीक है। भारत में टोटल 9 दर्शन है, कितने दर्शन है? 9 दर्शन है, ठीक है, नौ। जिसमें से 6 दर्शन की बात की, जिसको छठ दर्शन बोला जाता है, ये आस्तिक दर्शन है। कौन सी दर्शन है? आस्तिक आस्तिक दर्शन है, ठीक दर्शन। है। आस्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखे ना, उससे मतलब नहीं है। आस्तिक दर्शन का मतलब जो वेदों में विश्वास रखे, ठीक है, भगवान से इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 3 दर्शन की बात करेंगे वो नास्तिक दर्शन है, जो कि मतलब वेद में विश्वास नहीं रखता है, जिसमें बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, एक आपका कौन सा है, ठीक है, मखली गोसाल वाला कौन सा है, जो मतलब कहता है अगर उधार लेकर ही आजीवक पीना है तो घी पियो, आजीवक, ठीक है, आजीवक उधार ले, आजीवक हाँ जी। आजीवक, ठीक है, आजीवक दर्शन की बात हुई, जो कि कहता है उधार लेकर ही पीना है तो घी पियो, ठीक है, ऐसे मतलब क्या ही मतलब जीना, ठीक है, मतलब अजीब अजीब तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आजीवक दर्शन कहता है पूरा कहानी आपका समाप्त है, क्योंकि समाज से उसको पूरी तरीके से मिटा दिया है, ठीक है, समझे। तो 3 की बात करेंगे नास्तिक दर्शन है, 6 छद दर्शन की बात करेंगे जो कि आस्तिक दर्शन है, जो कि वेदों में क्या करता है, विश्वास करता है, ठीक है। तो टोटल दर्शन की बात करेंगे, ठीक है, 9 दर्शन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे पुराणों के अनुसार मगध राजवंश की बात करें, बृहद्रथ से, बृहद्रथ वंश से मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है, ध्यान में, किस वंश से प्रारंभ होता है? मगध का राजवंश। अब देखिए सारा महाजनपद सभा के किसमें मिल गया? मगध में मिल गया। अब मगध पे आप देखोगे पुराणों के अनुसार जो सबसे पहला जो राजवंश जो स्थापित होता है बृहद्रथ वंश का, ठीक है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र को मतलब किस नाम से जानते हैं? कीकट प्रदेश, ठीक छत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कि मतलब का अपवित्र होता है, ठीक है, जिसका शासक कौन था? परमागंध था, ठीक है, क्या नाम था? प्रदेश। परमागंध था, ठीक है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किस नाम से जानते? कीकट प्रदेश के। आ इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग जो थे उनको क्या बोलता जाता था? वार्ते कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वार्ते कहते थे। वाय हाँ, वायु पुराण में, पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया, जबकि वायु पुराण में, ठीक है, कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया, ठीक है। तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का, सॉरी सॉरी, 12 पुराण में वायु, 12 पुराण में कीकट को, कीकट मगध क्षेत्र को कहते थे, तो उसको अपवित्र प्रदेश कहा गया, ठीक है।
जबकि मगध क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद में ऋषिकेश के नाम से। वायु पुराण एवं पद पुराण में, पद्म पुराण में गया, राजगीर और पूनम पुनपुन को किस में? तो पवित्र स्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मगध का शपथ मूल्य किस वेद में मिलता है? तो क्या बताएंगे? अथर्वेद में मिलता है। ठीक है, मगध महाजनपद में वर्तमान पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादाबाद जिले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन जनपद है? एक तो मगध था, एक वज्जी था, एक कौन सा था? अंग ये अंग अंग सर महाजनपद। तीन जनपद बिहार में था, जिसमें से मगध जो था सबसे बड़ा था, सबसे शक्तिशाली था, ध्यान रखेंगे। अब मगध का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करेंगे, ध्यान में आपको रखना है। अथर्वेद में आपको देखने को मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान में पटना था, नालंदा था, गया था, औरंगाबाद था, जहानाबाद था, नवादा जिले शामिल था। ठीक है, बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः, ठीक है, बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इस काल में बिहार का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ध्यान रखिए, एक है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है? तो पूर्व वैदिक का जो पूरा इतिहास जो है, पूरी जानकारी जो है, ऋग वेद पे आधारित है, इसलिए ऋग वैदिक। ठीक है, उसके बाद का जो समय काल जो होगा, ठीक है, वो उत्तर वैदिक काल होगा, जहाँ पे तीन प्रकार के अन्य वेद का भी मतलब क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसी काल में बिहार का मतलब क्या, आर्यीकरण होता है। आर्यों के विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र क्या बोलते हैं? मिथिलांचल को विदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे आर्यन जो थे आके बसे, और इसकी चर्चा जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में आपको की गई है। ठीक है, विदेह माधव, ठीक है, इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सादानीरा तक पहुंचने का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। जैसे विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि, अग्नि मतलब वैश्वानर का, ठीक है, पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सादानीरा, जो कि आधुनिक गंडक, ठीक है, सादानीरा मतलब क्या होता है, आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विदेहराज, विदेहराज किसको बोलते थे? मिथिलांचल को। किसको बोलते थे? मिथिलांचल। तो मिथिलांचल को यजुर्वेद में विदेहराज का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। बस यजुर्वेद में सबसे पहले आपको विदेहराज का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में मलदर करुणा सर बक्सर के लिए किया गया, क्योंकि बक्सर तो काफी पॉपुलर था ना, क्योंकि यहाँ पे श्री राम प्रभु को मतलब क्या मिला था, श्री राम प्रभु को शिक्षा मिला था, विश्वामित्र जी का आश्रम था यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे तारकावध किया था। तो वायु पुराण सॉरी वाल्मीकि रामायण में आप मलदर करुणा सर किसके लिए है? तो बक्सर के लिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में मलदर करुणा शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? बक्सर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, कौन से राक्षसी का वध हुआ था? तारका, तारका राक्षसी का मतलब क्या हुआ था? वध बक्सर हुआ था। ठीक है, तो करुणा और मलद शब्द किसके लिए है? के बक्सर लिए के लिए। ठीक है, तो बक्सर रामायण में के बक्सर का नाम आपको चर्चा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान किनका था, तो विश्वामित्र जी का मतलब क्या था, तो विश्वामित्र जी का क्या था, तो ध्यान रखेंगे क्या लिए था विश्वामित्र जी का। ठीक है, आश्रम बिल्कुल, ठीक है, को बिल्कुल, आश्रम था, आश्रम और इस राम की आश्रम की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो श्री राम प्रभु जी जो थे इस आश्रम की रक्षा करने आए थे, क्योंकि इनके मतलब क्या था, तो इनके आप देखोगे तो इनके जो कर्म कांड में जो थे क्या थे, राक्षस जो थे, मतलब क्या पहुंचा रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब आते कुछ नदी के ऊपर बात कर लेते हैं। सतलज को शतरूधि के नाम से जानते थे, प्राचीन नाम। ब्यास को किस नाम से जानते थे? बिपाशा के नाम से। रावी को अच्छा कहते थे परुशनी, झेलम को कहते थे विधिष्ठा, चेनाब को बोलते थे अश्कनी, गंडक को बोला जाता था सादानीरा, सिंध को बोलते थे सिंधु, और घग्गर को दिस्तती। ठीक है, इस सब के सब क्या है, तो इस सब के सब ऋग वैदिक कालीन नदी है। ठीक है, सप्त संदर प्रदेश में सात नदी बहती थी, ठीक है, जो कि सिंधु की पांच सहायक नदी थी, और एक आपका सरस्वती नदी भी थी। ठीक है, तो उन सारे का चर्चा आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में नदी सूत्र है, वहां पे नदी के बारे में जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, अब आर्य को, आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण किया गया। हरियाणा और पंजाब क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त रखते, क्या रखते हैं? हरियाणा और पंजाब क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त, गंगा ब्रह्मावर्त यमुना द्वाब का नाम ब्रह्मर्षि देश करते, क्या नाम ब्रह्मर्षि है? देश हिमालय एवं विंध्य ब्रह्मर्षि क्षेत्र का देश नाम ये लोग क्या, मध्य देश। ठीक है, और मध्य देश बिहार बंगला क्षेत्र का नाम ये आर्यावर्त रखते हैं। ठीक है, इन्होंने अरे मतलब क्या किया, चार प्रकार के क्षेत्रों को, चार प्रकार के क्षेत्रों का मतलब क्या किया, इन्होंने मतलब क्या किया, बांट दिया। ठीक है, इसका आप ध्यान में रखेंगे क्या था, तो आर्य के द्वारा जो क्षेत्रों का जो नामकरण किया गया क्षेत्र का, उसमें क्या था, हरियाणा पंजाब क्षेत्र इसका नाम ब्रह्मावर्त रखा गया। ठीक है, हरियाणा पंजाब का। गंगा यमुना दोआब का नाम रखा ब्रह्मर्षि देश रखा गया। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा गया। अब बिहार बंगाल के क्षेत्र को क्या बोला, आर्यवर्त। ठीक है, तो ये आपके आर्यवर्त ध्यान में रखना है। आर्य के द्वारा बिहार बंगाल के क्षेत्र का क्या नाम रखा गया था, तो आर्यवर्त नाम रखा गया। ठीक है,
अब इसी के समय में आप देखोगे बिहार में वैदिक साहित्य का मतलब क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में चार प्रकार का साहित्य होंगे, जो कि चार प्रकार के वेद थे, एक ऋग वेद है, अथर्व वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है। हालांकि वैदिक साहित्य को भी दो कैटेगरी में बांट देंगे, पूर्व वैदिक होगा जिसको ऋग वैदिक कहते हैं, एक उत्तर एक वैदिक। आपका क्या होगा उत्तर वैदिक होगा, जिसमें मतलब तीनों प्रकार का वेद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद संहिता, वेद संहिता में ऋग वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक है, हालांकि वेद त्रयी में तीन प्रकार के वेद आते हैं, ठीक है, अथर्वेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है, वेदों संहिता से ही रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ ऐतरेय आदि है। ठीक है, जिसमें बिंबिसार को पूर्व की घटनाओं की भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल में बिहार, महाजनपद से आपकी प्रश्न कभी कभी होते हैं, तो कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दिया है, तो कल आप लोग क्या करेंगे आगे पढ़ कर आइएगा। ऑलरेडी